Hello students, in today's class we will learn about international system of numeration. International system of numeration is nothing but हम international wise countings को कैसे define करते हैं, उनको कैसे use करते हैं, वो जो terms हम use करते हैं उनको हम बोलते हैं international system of numeration, मतलब international counting. This is for ones, tens, hundred, thousand, 10,000. उसके बाद आता है 100,000. 10,000 तक तो इंडियन में भी रहता है. 10,000 के बाद क्या आ जाता है? 10,000 के बाद आ जाता है लाख. अगर हमसे कोई पूछे कि नेशनल में 100,000 को क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि 100,000 को लाख बोलते हैं. ठीक है, तो कैसे कैसे डिफाइन किया हमने, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000. 100,000 के बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. जैसे कि हमने बोला कि 100,000 को लाख बोलते हैं, वैसे मिलियन को क्या बोलेंगे? लाख के बाद क्या आता है? लाख के बाद आता है 10 लाख, तो मिलियन को हम बोलेंगे 10 लाख. 10 लाख के बाद आता है करोड़, 10 मिलियन को हम बोलेंगे करोड़, और 100 मिलियन को क्या बोलेंगे? 10 करोड़. इजी पीजी. फॉर वंस, टी इज फॉर टेंस, एच इज फॉर 100, राइट? वी ऑल नो दैट. टी एच इज फॉर 1,000, TTH is for 10,000, HTH is for 100,000. ये इंटरनेशनल में हमारे लिए एक नई टर्म आई है, 100,000. M is for million, TM is for 10 million, and last but not the least, HM is for 100 million. अब हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, हम इसको काउंट कैसे करते हैं. हमको पता है कि वंस इज फॉर वन, अगेन 10 इज फॉर टेंस, 10, 100 इज फॉर 100, एक एक ज़ीरो फिर से इंक्रीज होती जाएगी. 1,000 में 3 ज़ीरोज़ लगाते हैं, राइट? 10,000 में 4 ज़ीरोज़ लगाते हैं, 100,000 में 5 ज़ीरोज़ लगाते हैं, 100,000 इज फॉर 1 लाख, राइट? सो 100,000 में 5 ज़ीरोज़ लगेंगे, लाख में भी 5 ज़ीरोज़ लगेंगे, मिलियन में 6 ज़ीरोज़ लगाते हैं, 10 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी? 7 ज़ीरोज़. क्यों? बिकॉज इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 करोड़, और 1 करोड़ में हम 7 ज़ीरोज़ लगाते हैं, और लास्ट में हमारी लगेंगी हाउ मैनी ज़ीरोज़? 8 ज़ीरोज़, राइट? अब ये देखो कैसे ये नंबर्स बढ़ते गए. अब इसमें हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, कि हम कॉमास कैसे लगाते हैं. अब जैसे नेशनल में लगाते हैं, इंटरनेशनल में सेम नहीं लगाते. सी, 1,000 में हमने बताया था कि 3 ज़ीरोज़ के बाद लास्ट की 3 नंबर्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो अगेन इसमें 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा. 10,000 में भी 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं 3 ज़ीरोज़ के बाद हमने कॉमा लगाया, ठीक है? इट इज़ फॉर 100,000. अब आप बोलोगे कि हमने 1 लाख में यहाँ पे कॉमा लगाया था, राइट? क्योंकि 2 ज़ीरोज़ आ गई. हमने नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 ज़ीरोज़ के बाद फिर 2 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाया था, लेकिन ध्यान दो, हाँ, यहाँ पे क्या है, ये पूरी एक टर्म नहीं बन जाएगी. हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, 1,000, 10,000, 100,000. क्यों? क्योंकि ये 1,000 के अंदर ही आ रही है, 1,000 भी, 10,000 भी और 100,000 भी. उस हिसाब से हम 2 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, राइट? उसके बाद हम अब देखते हैं मिलियन में. हमने इसके बाद अगेन मिलियन में 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाया, हम लगाएंगे फिर 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, क्योंकि हमको डिफाइन ऐसी, हमको टर्म्स ऐसे डिफाइन कर रखी होती हैं, 1,000, 10,000, 100,000, ये 1,000 की टर्म्स हैं, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मिलियंस की टर्म्स हैं. इसको हमने 3-3 में डिवाइड कर रखा है, सिर्फ इसलिए हम 3-3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाएंगे. नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाया था, फिर उसके बाद फिर 2 और फिर 2, पीछे से हमने ऐसे स्टार्ट किया था. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम 3-3 के गैप में कॉमास लगाते हैं, राइट? सो हमने कहाँ पे थे, हम 1 मिलियन पे थे. 1 मिलियन पे हमने 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाया, और फिर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आए, उसके बाद कॉमा लगाया, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, राइट? अब हम देखते हैं
10 मिलियन में 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो क्या हो गया ये 10 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 10, उसके बाद आते हैं 100 मिलियन पे, सॉरी, तो 100 मिलियन पे होगा 3 जीरोस के बाद कॉमा, फिर 3 जीरोस के बाद कॉमा, तो दिस इज नोन एज 100 मिलियन। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि दिस इज 1,00000, हम देख कर बता देंगे कि दिस इज 1 लाख, कैसे, क्योंकि 5 जीरोस हैं, उसके अलावा हमने 2 के बाद कॉमा, हमने 2 जगह कॉमा लगाया, ठीक है, और वो 2 कॉमा दिखाते ही ऐसे कि ये 1 लाख है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मैंने ऐसे लगाया है, तो आपको क्या लगेगा, ये क्या बन जाएगा कि हमने 3 जीरोस के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 जीरोस के बाद कॉमा लगाया। अगर इस वे में कॉमास लगाए हैं तो आप इसको ऐसे मत काउंट करना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने 3 जीरोस के बाद कॉमा लगाए हैं। 10 लाख मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अगर हमको कॉमास इस तरीके से लगा रखे हैं तो हमको आंसर भी इंटरनेशनल वाइज देना पड़ेगा। सो इट विल बी रीड एज, वी आर गोइंग टू रीड इट एज 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000। सो दिस इज 1 मिलियन, ठीक है, हम कॉमा से बता सकते हैं, लाइक यहाँ तक तो हमको पता चल जाता है, लाइक 2 जीरोस तक लगाया तो इंडियन में आ जाएगा, और 3 जीरोस के बाद लगाया है, लाइक 3 जीरोस के बाद फिर 2, 3 जीरोस के बाद लगाया है, तो वो किस में आ जाएगा, वो इंटरनेशनल में आ जाएगा। तो हम इसको नेशनल वाइज काउंट करेंगे और नीचे वाले को इंटरनेशनल वाइज, ईजी राइट। हम 1 से कैसे 100 मिलियन पर आए, कैसे एक एक जीरो इंक्रीज हुई, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब इंटरनेशनल वाइज हम काउंटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं। यहाँ की टर्म्स उससे ज़्यादा अलग नहीं थी, 1000 तक सेम थी, राइट, 10,000 तक सेम थी, उसके बाद जीरोज वही रही, नंबर्स वही रहे, लेकिन हमने नाम चेंज कर दिया, लाइक 100,000 हो गया, 100,000 लाख को बोलते हैं, राइट, और 100 मिलियन हो गया, 100 मिलियन 10 करोड़ को बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, International System of Numeration.